प्यार से मैं कहना चाहूंगी कि एहसान हो गया तो खोना दाना क्या हम शिक्षक हैं यार, अपनी गरिमा को पहचानिए और अपनी ताकत को जानिए। अर्जुन की तरह हमारा निशाना मछली की आंख होना चाहिए, शेर भी नहीं। मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो उस रूप धारण करने में भी मुझे सेकंड बनने लगते। मंच पर एक एक तीन से आठ आठ लोग बैठा हुआ और मैं देख रही हूँ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गोरखपुर के जिलाध्यक्ष और प्रांतीय प्रवक्ता संचालन करता बड़ा दर्जी से लोग निकले चाहिए। एक एक दिन से आठ आठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं कहना चाहती हूँ जो भी चुनाव के अच्छे पर सम्मान के साथ या तो आप बैठिए या हम साथ। अरे बैठ जाओ भैया। प्रदेश पदाधिकारी उसके अलावा जिले से जो भी संख्या या मंच पर बैठी हुई है और ऐसा करके मैं कहना चाहूँगी जो मंच पर बैठ करके यहाँ आपस में लड़ने आते हैं आपको प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष गाजी और शाही को की बात पर आप कमेंट किए जा रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? नहीं है वो कर जाए तुरंत और एक बार आपको ये बता दूं मैं, आपकी ये संख्या आपकी आपका ये जोश बेकार नहीं जाएगा। रुक जाओ भैया, इधर से मत जाओ। अगर ये सरकार ने हमारी बात को न सुना, हमारी बात को न माना और अगर हमारा सम्मान और मान वापस नहीं लौटाया तो दोस्तों याद कर लेना उत्तर प्रदेश 14 सितंबर सही तैयार रहो दिल्ली। हम ऐसा करना चाहेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी हमको कि उत्तर प्रदेश का युवा दिल्ली की धरती में आया था और विनाश करके चला गया। धन्यवाद है, मंच के साथियों से निवेदन करना चाहूंगी, बड़े सम्मान के साथ करना चाहूंगी, आप बैठे हैं तो बैठने की कमी छीन लीजिए, अन्यथा की स्थिति में मंच के साइड में हो जाइए और तुरंत ही पदाधिकारियों को डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई हाथ पकड़ कर खींच रहा है, कोई उनसे अभद्रता कर रहा है। धन्यवाद।